हे एवरी वन वेलकम टू सीमा डिश डायरी आज मैं आपके साथ नवरात्रि स्पेशल सिंगाड़े के आटे की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करूँगी चलिए बनाना शुरू करते हैं ये मैंने एक कप सिंगाडे का आटा लिया है सेवेंटी फाइव ग्राम देसी घी लिया है देसी घी में सिंगाड़े के आटे को रोस्ट करना है गैस को स्लो ही रखिए इसको धीमी आंच पे भूनना है आजकल नवरात्रि का सीजन है उसमें हम सिंगाड़े का आटा कूटू का आटा बहुत यूज़ करते हैं ये सिंगाड़े की बर्फी आप नवरात्रि के शुरू में ही बना कर रख लीजिए फ्रिज में और नौ दिन तक खाते रहिए इससे बहुत एनर्जी आती है इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स डालूंगी और धीमी आँच पे ही इसको भूनिएगा बहुत जल्दी भुन जाता है ये ये आधा कप मैंने डेसिकेटेड नारियल लिया है वो भी इसके साथ डालूंगी इसको भी साथ में भून लीजिए ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए है इसमें पिस्ता काजू बादाम इसको मैंने बारीक काट लिया है इसको भी मैं डालूंगी इसमें आप इसको पीस के भी ले सकते हैं लेकिन मैंने इसको बारीक काट के डाला है क्योंकि जब हम खाते हैं तो इसका मुंह में जो क्रंच आता है वो बहुत टेस्टी लगता है अच्छा लगता है मुझे तो और आपको अगर पसंद नहीं है तो आप इसको पीस के इसका पाउडर बना के डाल सकते हैं इसमें अच्छी खुशबू आ रही है आटा भुन गया है गैस बंद करने के बाद भी इसको थोड़ा देर चलाते रहिए नहीं तो नीचे लग जाती है नीचे लग जाने से फिर इसका टेस्ट और इसका टेक्सचर सब खराब हो जाएगा इसको ऐसे चला के थोड़ी देर ठंडा कर लीजिए या फिर दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लीजिए इसको या आधा लीटर मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है इसको मैं बॉईल करके इसको गाढ़ा करूंगी इसको ऐसे धीरे धीरे चलाते रहिए दूध गाढ़ा हो गया है इसमें थ्री फोर्थ कप शुगर डालूंगी शुगर को मेल्ट होने तक इसको चलाते रहिए शुगर मेल्ट हो गई है वन टी स्पू उसमें इलायची का पाउडर डालूंगी फ्लेम को एकदम लो कर दीजिए अब इसमें मैं ये सिंगाड़े का आटा जो भून के रखा था वो डालूंगी धीरे धीरे डालिएगा अब इसको ऐसे धीरे धीरे चलाते रहिए जब तक तो ये कढ़ाई ना छोड़ने लगे तब तक गाढ़ा हो जाएगा तो ये कढ़ाई अपने आप छोड़ने लगेगा अब तो ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ जाएगा फिर हम इसको जमाएंगे बहुत जल्दी जल जाता है आप इसके पास ही खड़े रहिए कढ़ाई को ऐसे चलाते रहिए आटे को ये देखिए गाढ़ा होने लगा ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है ये देखिए घी छोड़ दिया इसने नीचे कढ़ाई में इसकी यही पहचान है तो कढ़ाई देखिए एकदम क्लीन है अब इसको मैं जमाऊंगी ये ट्रे ली है इसमें मैंने ये बटर पेपर लगाया है अब इसमें मैं इसको जमाऊंगी इसको फटाफट इस दीजिए देखिए ट्रे में सेट कर दिया है मैंने अब इस पर ड्राई फ्रूट्स डालूंगी मैंने पिस्ता बादाम काजू ये सब लिया है ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद से कुछ भी ले सकते हो ड्राई फ्रूट्स को इस पैचुला से ऐसे प्रेस कर लीजिए अब इसको एक दो घंटे के लिए जमने के लिए रख दीजिए या तो फैन के नीचे या फ्रिज में उसके बाद मैं इसकी पीसेस काटूंगी बर्फी जम गई है दो घंटे हो गए अब इसको मैं स्क्वायर शेप में काटूंगी कितनी अच्छी जम गई है अब मैं इसकी प्लेटिंग करूंगी इस सिंगाड़े के आटे की बर्फी देखिए बन गई है बहुत सॉफ्ट और टेस्टी बनी है आप इसको बनाइए और एंजॉय करिए थैंक यू फॉर वाचिंग बाय बाय